हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड हैप्पी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें NTRO रिक्रूटमेंट टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा इस वीडियो को टिल लास्ट। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर NTRO लिखकर सर्च करना होगा। देन फ्रेंड्स, आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पे NTRO पर आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपके पास इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर ही आपको क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से TA 2019 मीन्स टेक्निकल असिस्टेंट 2019 को सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपनी नेशनैलिटी इंडियन है तो इसके लिए यस करना है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो इसके लिए यस करना है। देन आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स, इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेड चूज कर लेनी है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना फुल नेम देना है, आपका मदर नेम देना है, देन आपका फादर नेम देना है। और फ्रेंड्स, ये आपका जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच खानी चाहिए। अगर नहीं वो मैच होती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। देन आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप डिसेबल पर्सन हैं या नहीं ये आपको चूज़ करना है। देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना है, यदि नो है तो आपको नो करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं। देन फ्रेंड्स, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे बताना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर देना है। आपको बताना है पहले कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। अगर आपको आधार कार्ड नहीं देना है तो यहाँ से आप कोई दूसरी आईडी भी दे सकते हैं। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी देनी है। और फ्रेंड्स, आपको जो अपना मोबाइल नंबर देना है और जो ईमेल आईडी देनी है वो दोनों ही एक्टिव होनी चाहिए और 1 ईयर तक एक्टिव रहनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, उसके बाद ही आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होगा। तो इसलिए आप अपना मोबाइल ऑन रखिएगा और वही दीजिएगा नंबर जो ऑन हो। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना बर्थ प्लेस डालना है एंड स्टेट डालनी है। जैसे फ्रेंड्स, आप दिल्ली में पैदा हुए हो तो आपको पहले दिल्ली डालना है, फिर कॉमा लगा के स्टेट डालनी है। या आप कानपुर में पैदा हुए हो तो आपको कानपुर डालना है, देन आपको अपनी स्टेट डालनी है UP। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना होगा। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, जो आपने पहले लिखी है उसको ही पहले लिखी हुई को दूसरी बार यहाँ पे लिखना होगा कंफर्मेशन के लिए। देन आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस फॉर्म को पूरी तरह से फिल कर लिया है और एक बार रीचेक भी कर लिया है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, तो आप भी एक बार ध्यान से रीचेक कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस पर जाना। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका इसमें एड्रेस मांगा जाएगा और फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। यदि फ्रेंड्स आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स पर टिक कर दीजिए तो परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगा। और देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। और फ्रेंड्स, यदि आप पीछे के स्टेप में कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेती हूँ। इन्फॉर्मेशन डाल ली है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स, अब आपके 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और थर्ड स्टेप ओपन हो गया है, जहाँ पे आपको अपनी
से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपनी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, देन आपको अपनी इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है, देन आपको अपने डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आपने मैथ से किया, आर्ट्स से किया है। फिर आपको अपने कॉलेज का नेम लिखना है, देन आपको अपना रिजल्ट फॉर्मेट लिखना है कि वो मार्क्स में है या ग्रेडिंग सिस्टम में है। और फिर आपको अपने परसेंटेज लिखने हैं, और परसेंटेज कितने में से हैं वो लिखना है, आपका बोर्ड, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है वो आपको लिखना है, आपके पासिंग ईयर क्या है वो आपको लिखना है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको लिखना है। वैसे ही फ्रेंड्स, आपको इंटर में भी यही सब इन्फॉर्मेशन देनी है। फ्रेंड्स, डिप्लोमा में आपको चूज़ करना है कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, आपके डिप्लोमा की ड्यूरेशन क्या है, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, आपके रिजल्ट का फॉर्मेट क्या है, आपको कितने में से कितने मार्क्स मिले हैं, आपको कितने परसेंटेज मिले हैं, आपका पासिंग ईयर क्या है, आपका इंस्टीट्यूट क्या है। और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सारी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपको इसमें ट्रेड चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे दी गई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म्ड फोर्स वाले डिप्लोमा दिए गए हैं तो वो आपको चूज़ नहीं करने, क्योंकि वो डिप्लोमा आपका नहीं होगा। आपके जो डिप्लोमा होंगे वो आर्म फोर्स के द्वारा नहीं किए गए होंगे। आपको जो डिप्लोमा, यदि आप BSc किए हुए हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स, यदि आपने डिप्लोमा किया है और आपका जो ट्रेड है वो कम्युनिकेशन है तो आपको इसे चूज़ करना है। और यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ करना है। और फ्रेंड्स, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए तो आपको यहाँ से चूज़ करना होगा कि आपका जो डिप्लोमा है वो 2 ईयर का है या 3 ईयर का है। यदि आपका फुल टाइम डिप्लोमा है तो वो 3 ईयर का होगा, और लेटर एंट्री से डिप्लोमा है तो वो 2 ईयर का होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है, अब आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स, आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है जिसका साइज़ 20 से 40 KB के बीच होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता है कि फ़ोटो और साइन का साइज़ को किस तरह से चेंज किया जाता है, और आपकी किसी इमेज को PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से जाकर देखकर हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके इसमें जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे, और जो आपकी PDF होनी चाहिए वो 120 से 200 KB के बीच की होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, आपके डिप्लोमा की मार्कशीट, आपकी फ़ोटो ID मींस आधार कार्ड, या आप कुछ और लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं जो आपने फॉर्म में दी है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ों को अपलोड कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट करके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 टिक्स आपको लगाने होंगे। फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट केयरफुली पढ़ लिया, उसके बाद ही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही आपने फॉर्म फिल किया है, और आप इंडिया में कहीं भी और इंडिया के बाहर कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हैं, आप फील्ड सर्विस करने के लिए भी तैयार हैं, और आप सी प्लेटफॉर्म पर जॉब करने के लिए भी रेडी हैं। और थर्ड में लिखा है कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो आपने सही प्रोवाइड कराई है, यदि किसी भी स्टेज में इसे गलत पाया जाता है तो आपका कैंडिडेटचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इन तीनों पर टिक कर देना है। देन फ्रेंड्स, आपके ने जो मोबाइल नंबर इसमें दिया है उस पर एक OTP आई होगी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि आपके पास OTP नहीं आई है तो आपको रीसेंट OTP कर देनी है। फ्रेंड, OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा डालना है बहुत केयरफुली। मैंने
OTP डाल दी है, कैप्चा डाल दिया है। अब यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स, आपके पास ये एक फाइनल आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप एक बार अपना फॉर्म फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी चेंजेस करने की परमिशन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है। यदि आपको डाउट हो तो आप एक बार फिर से कैंसिल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस पर ओके कर दे रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और यहाँ पे लिखा है कि यदि आप अपना फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपने फिल किया है, तो डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना फॉर्म खुद से अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप खुद से फॉर्म फिल करना सीख गए होंगे फ्रेंड्स। बट यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे ऐसी ही मोर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो ऐसी ही मोर नॉलेजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।